हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ईद लुक। ये स्पेशली मैंने ईद जो भी फेस्टिवल आने वाला है उसके लिए ये लुक क्रिएट किया है। आपको ये लुक पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो नाओ लेट्स गेट स्टार्टेड और देखते हैं मैंने ये लुक कैसे क्रिएट किया है। स्टार्ट कर रही हूँ मैं कलर बार के प्राइमर से। ये मैच प्राइमर वाटर बेस है। इसे मैं अपने पूरे फेस पर स्प्रे कर रही हूँ। उसके बाद मैं लॉरियल का मैजिक ट्रांसफॉर्मिंग स्मूथ प्राइमर यूज़ कर रही हूँ, बिकॉज ये काफ़ी थिक है तो मेरे फेस पे अभी जिस तरह का मार्क्स हो रखे हैं उसे अच्छे से इवन आउट करेगा। फाउंडेशन मैं डायरेक्टली यूज़ कर रही हूँ फिट मी मेबलिन से। 128 मेरा शेड है। इसे छोटे छोटे स्ट्रोक्स में मैं ब्लेंड कर रही हूँ। देन मैं यूज कर रही हूँ मेबलिन का फिट मी कंसीलर इन द शेड लाइट और इसे मैं अपने पॉइंट्स पे अप्लाई करूंगी, जैसे कि अंडर आईज और ब्रिज ऑफ दी नोज, क्यूपिड पे, चिन पे और टिप ऑफ दी नोज पर, यहाँ पर अप्लाई करके और साइड्स में भी अप्लाई कर रही हूँ और इसे मैं ब्रश की मदद से ही ब्लेंड कर रही हूँ। थोड़ा बहुत जो कंसीलर ब्रश पे है उसे मैं अपनी आईलिड्स पे भी अप्लाई कर रही हूँ। देन मैं इसके बाद यूज़ करूँगी मेबलिन का फिट मी से ही लूज़ पाउडर और इसे मैं अपने पूरे फेस को सेट करूँगी, स्पेशली कंसीलर्स पे। देन मैं ये पैलेट कर रही हूँ यूज़ कर रही हूँ फैशन कलर्स से और इसे ये कंटूर शेड लेकर के करूँगी यूजुअल प्लेसेस पे, चीक बोन्स, फोरहेड पे, नोज पे, जॉ लाइन पर। ये कॉन्टोर पैलेट है और इसमें दो हाइलाइटर शेड्स भी है, एक पिंक टोन में है, एक शैम्पेन टोन में है। नोज के लिए मैं यहाँ यूज कर रही हूँ फ्लैट ब्रश, इससे काफी शार्प और क्लीन कॉन्टोर दिखेगा। देन मैं यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का आईब्रो पेंसिल एंड इसे अपनी ब्राउज को फिल इन करूँगी और थोड़ा सा शेप दूंगी और इसी के पीछे स्पूली है उससे स्प्रेड आउट कर लूँगी अगर कहीं एक्स्ट्रा प्रोडक्ट लग गया हो तो। देन मैं यहाँ पे निका केक का शुगर प्लम पैलेट यूज़ करी हूँ और इसे पिंक शेड लेकर के अप्लाई करूँगी। मैं ऑलमोस्ट पूरे लीड पर अप्लाई करूँगी बट मैं आउटर व्यू में ज़्यादा प्रोडक्ट डिपॉजिट करूँगी और इनर साइड में बहुत कम प्रोडक्ट यूज़ करूँगी क्योंकि मुझे वहाँ पे उससे लाइटर शेड यूज़ करना है। तो पिंक का जस्ट एक हिंट हो तो मैं आउटर व्यू में ज़्यादा प्रोडक्ट डिपॉजिट करके उसे ही अंदर की तरफ ब्लेंड करूँगी। नाउ इसके एजेस एक क्लीन ब्रश से ब्लेंड कर रही हूँ मैं। सेम पैलेट से ये डार्कर पिंक पर्पलिश टोन लेकर के अपनी आउटर वी पे अप्लाई कर रही हूँ और थोड़ा सा क्रीज में ताकि क्रीज भी डिफाइन हो जाए। बहुत ज़्यादा अंदर नहीं ले जाऊँगी, जस्ट हाफ ऑफ दी क्रीज और आउटर वी में ज़्यादा अप्लाई करूँगी। देन ये
थोड़ा सा सिल्वरिश वाइटिश टोन में शेड है जो इसी पैलेट का है, और इसे मैं अपनी फिंगर्स की मदद से अप्लाई करूँगी अपने इनर कॉर्नर्स से 1/3 ऑफ दी लीड पे। थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि ब्रश से अप्लाई करूँगी तो ब्लेंड अच्छी होगी, तो मैंने थोड़ा सा ब्रश में लेकर के इसे ब्लेंड कर लिया है और एजेस अच्छे से ब्लेंड कर लिए हैं। कंट्रास्ट देने के लिए मैंने लोअर लैश लाइन पे निका के का ही जो बर्थडे पार्टी पैलेट है उसमें से ये ग्रीन शेड लेकर के अपनी लोअर लैश लाइन पे अप्लाई किया और उसके भी एजेस ब्लेंड कर लिए। और सेम पैलेट से एक शिमर, उसी शेड का शिमर सा शेड है, उसे इनर कॉर्नर से और उसी कलर के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ ताकि एक अच्छा सा इफेक्ट दिखे। देन प्लम का काजल अप्लाई करूँगी लोअर लैशेस पे। लैशेस अपनी कर्ल कर लूँगी और उसके बाद यूज़ करूँगी मेबलिन का लैश सेंसेशनल मस्कारा, और इसे अपर लैशेस और दोनों लोअर लैशेस दोनों पर ही अप्लाई कर लूँगी अच्छे से कम 5 to 6 कोट्स दूँगी मैं। देन ये आई मैजिक का पैलेट है, इससे ये पिंक शेड लेकर के अपनी चीक बोन्स पर अप्लाई करूँगी, सॉरी एप्पल ऑफ द चीक्स पर अप्लाई करूँगी। आई मैजिक का बहुत ही अच्छा पैलेट है। हाइलाइटर मैं यूज़ कर रही हूँ सेम पैलेट से जो सिल्वरी टोन का हाइलाइटर है वो यूज़ करूँगी और अपने हाईएस्ट पॉइंट्स पे अप्लाई करूँगी। ब्रिज ऑफ द नोज, क्यूपिड्स और इनर कॉर्नर्स और ब्राउ बोन्स पर भी अप्लाई कर रही हूँ सेम हाइलाइटर। लिपस्टिक के लिए मैं ये मैटमी का लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ और इसे पहले मैंने अप्लाई किया बट ये मुझे लगा कि काफ़ी ज़्यादा डार्क लग रहा है, टोन डाउन करने के लिए न्यू शेड यूज़ किया है। शेड आपको सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइस दिस इज़ माय फाइनल लुक। होप आपको ये लुक पसंद आया होगा। अगर आप ये लुक क्रिएट करें तो मुझे अपने मेरे इंस्टाग्राम पे ज़रूर टैग करिएगा, मैं आपका फ़ोटो अपने स्टोरी पे शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मेक श्योर आपने लाइक शेयर कर लिया हो और होप बाय।